मैं झूठ बोलूंगा एक फौजी होकर के। गूंगी बहरी सरकार है, वोट के चोर देंगे देंगे डंके से। हम सम्मान के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं। आज 58 दिन होगा, ये उनकी गलती है, और गलती नहीं है गलता है ये मोदी जी का। हम दुखी हम हैं क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी 500 के आती थी, उग्रवादियों पास हमने 5 लाख रुपए पकड़े थे उस टाइम पे। जिनके लिए आवाज उठी थी वर्ल्ड रेगमन पेंशन की, उनकी पेंशन घटा दी OROP1 में। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप सभी को मालूम होगा क्योंकि हम लोगों ने कवर किया है पहले भी इन लोगों की। इन लोगों का लगभग 50वां तो कब का हो गया, 60वां दिन है, 58वां दिन है आज। और आज तक जो हैं देश के जवान यहाँ पे अपनी मांग को लेके अडिग हैं, और ये इन लोगों में जिद है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे, क्योंकि इन लोगों में डिसिप्लिन होती है। इन लोगों ने बोला है कि हम उग्र नहीं होंगे औरों की तरह, हम लोगों में डिसिप्लिन है और हम लोग शांतिपूर्ण धरना करते रहेंगे। लेकिन एक तरफ जहाँ पर सरकार जवानों की, किसानों की बात करती है, वहीं पर जवानों की ये दृश्य आप देख सकते हैं। आप पहले एक बार कैमरा पर्सन को हम दिखाएंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं तमाम जवान, और 58वां दिन है आज। और मेरे साथ हैं, जबकि सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, और सबसे ज़्यादा जोर महिला जवान किसान मजदूरों पर डालती है, तो क्या कहेंगे सर? एक तो एक तरफ तो आप लोग यहाँ पे धरने पर हैं, दूसरी तरफ मोदी जी जो हैं आप लोग का हौसला अफजाई करने के लिए होली और दिवाली में आप लोग के साथ त्यौहार मनाने जाते हैं, और आप लोग की ये दशा है, क्यों? जय हिंद। पहले तो आपके चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी देश की बेटी एक फौजियों का बाइट लेने के लिए आई है, हमारी सुनने के लिए आई है, क्योंकि नेशनल मीडिया तो आता नहीं। लेकिन आपके और आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, हम ये नहीं कहते कि देश के लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन कुछ एक बातें भूल जाते हैं, और वो भूलने वाली बातें नहीं है। सबसे पहले उन्होंने रेवाड़ी में हमारे फौजियों के साथ में एक वादा किया था, और हमने सोचा कि गुजरात का मॉडल इन्होंने चेंज किया, ये देश का मॉडल भी चेंज करेंगे, और देश का मॉडल चेंज कर रहे हैं। हम मानते हैं, इस चीज़ को भी मानते हैं, लेकिन हमने हमारा जो सिपाही का सम्मान है ना, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमारे को हमारा सम्मान चाहिए। सम्मान क्या है, एक सिपाही को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए उतना ही एक जनरल साहब को मिलना चाहिए। हम सम्मान के भूखे हैं, पैसे के भूखे नहीं। और हमारे साथ जो चीटिंग हुई वो ये है कि MSP मिलिट्री सर्विस पे वो कम है, दूसरा विधवा पेंशन वो कम है, यानी कि एक हमारे सैनिक की विधवा, आज एक फौजी आज रिटायरमेंट होते जाते एक्सीडेंट हो गए ख़त्म हो जाता है, तो उसकी विधवा को पेंशन मिलती है 13,000, और उसके बच्चे कितने होते हैं, कोई 2 साल को 4 साल, और अफसर जब रिटायर होता है तो उसके बच्चे फौज में भर्ती हो जाते हैं, और वो कर्नल बन जाते हैं, बाप जनरल होता है, और उसका बेटा पोता होता है ना उसका, वो मतलब कॉलेज में होता है। तो अब और उसकी मैम साहब जब गुडरती है, यानी ऊपर पहुंच जाती है भगवान के दरबार में, तो उसको 58,000 रुपये दे जाता है, और हमारे फौजन को मतलब 13,000 रुपये, ये नाइंसाफी है मोदी जी से। हम कहना चाहते हैं, आपने गोली खाई, आपने बोला था कि आपने गोली खाई। जी हाँ, मैंने नहीं बोला, पाकिस्तान ने बोला था मेरे गोली मारी जब, कि दे हमने पाकिस्तान के कोबरा कमांडो को गोली मारी है, तो मैंने बोला था मुझको हम दुश्मनों को मारते हैं रुकते नहीं है। और कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा हमने इस हाथ से गाड़ा था तोलोलिंग पे, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार, टर्निंग पॉइंट ऑफ द कारगिल वार। उसके अंदर 48 दुश्मनों को मार करके पाकिस्तान का मेजर का सिर काट के, और उसी में झंडा गाड़ा था, ये वही हाथ है। भारत माता की, भारत माता की। और मेरे पास देख सकते हैं कारगिल युद्ध की बात आप सब जानते होंगे, लेकिन ये जो हैं ये साक्ष्य हैं कारगिल युद्ध की, और इन्होंने जैसा कि आपने सुना होगा कि इन्होंने कहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने गोली खाई है, लेकिन गोली यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, यहाँ टांगों में लगी है, पेट फटा हुआ है, पैरों में लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं जवान कितनी मेहनत करते हैं हम देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने जान को हथेली पर रख के जो दिन रात सरहदों पर रहते हैं, लेकिन उनकी अभी ये स्थिति है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 58 फिर भी ये लोग सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार अच्छा काम करेगी। मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मुझे पूछना नहीं चाहिए, आपने बोला मोदी सरकार काम कर रही है। देखो मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार काम नहीं, काम करती है, किस संदर्भ में काम करने वाले से तो गलती होती है ना, और वो हमारी सुन नहीं रहे। आज 58 दिन होगा, ये उनकी गलती है, और गलती नहीं है गलता है ये मोदी जी का,
हमने आज से कई साल पहले एक पॉइंट रखा था, मोदी जी 370 हटाओ, 370 35 से हटाओ, क्योंकि उसके हम दुखी हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी 500 के आती थी उग्रवादियों पास, हमने 5-5 लाख रुपए पकड़े थे उस टाइम पे। और मैंने पहला पॉइंट रखा था 1993 में, जो कुपवाड़ा सेक्टर में एक उग्रवादी को मारा, 5 लाख रुपए मिले। मेरे सीओ साहब के पास हम सर ये करेंसी पाकिस्तान की है, बोले तू अंधा है, ये तो इंडिया की है, तो मुझे ये आदमी कहाँ का है, बोले ये पाकिस्तान का है, तो मुझे इसके पास करेंसी कैसे आई, मैं वो ये बताओ, या तो रिजर्व बैंक पाकिस्तान में या हमारे हिंदुस्तान के जो रिजर्व बैंक वाले पाकिस्तान से मिले हुए हैं, जो उनको वहाँ 500 के हज़ार हज़ार करेंसी देते हैं, ये जब तक देते रहेंगे तो यहाँ के शिवलिन आदमी उनको 5 लाख रुपए देंगे, ऊपर से बंदूक लगाएंगे, तो वो हमारे खात्मा कैसे होगा उग्रवादी। बोले बेटा तेरे पॉइंट में तो दम है, मगो दम है तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आओगा जो करेंसी को बंद कर देगा, तो वहाँ छपड़ा बंद हो जाएगी पाकिस्तान में, तो उग्रवाद खत्म हो जाएगा। और वो आज होके होगा, उग्रवाद खत्म हो गया, उग्रवाद खत्म होगा, लेकिन अभी ये दूसरा उग्रवाद है, बेईमानी और भ्रष्टाचारी का और गुंडे का सरगना। और कौन है गुंडे के सरगना जो है, कौन है ये गुंडे सरगना, वो जिसको अधिक धन की लालसा होती है, कौन है उनका नाम मैं थोड़ी जानू, पूरा देश जानता, पूरा मीडिया जानता। कौन है? है आपको नहीं पता कौन है? आप बताइए, आपको नहीं पता कौन है? कौन है वो गुंडे? वो है जो देश का नुकसान करते हैं। कौन कर रहा है? आप जो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उनको गुंडा इसलिए कह रहे हैं, जैसे थोड़े दिन पहले काल एक बाप और बेटा मरे, जिनको कितने केस थे, 150 थे ना, और उसको किसी दूसरे गुंडे ने मार दिया ना, और पुलिस के प्रशासन के बीच मारा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उस देश के सभी अधिकारियों से, सभी जजों से, कि पहला केस हुआ उसके ऊपर, उस दिन उसके FIR दर्ज करी थी या नहीं? अगर करी थी तो कोर्ट में केस गया था, तो उसने सजा क्यों नहीं दी? उस जज की फांसी होनी चाहिए। और जिसने, उस थानेदार ने FIR दर्ज नहीं करी जिसका बाप मार दिया, मेरा बाप मार दिया, मैं क्या चाहिए? और राम राज में जो है अतीक अहमद जैसे आरोपी को, गुने कुख्यात आरोपी को, कुख्यात दोषियों को इस तरह से मार गिराया जाता है, तो अच्छी बात है ना? नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, बात भाई अच्छी है, लेकिन उसको नेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है, इनको क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ी गलती नेशनल मीडिया की है। देखो उसको मार रहे ना, एक कुछ भी नहीं है, वो कचरा ही देश का माटी है, कुछ भी नहीं था वो, उसका तो बाइट लेना ही नहीं चाहिए मीडिया को, और उसका तो नेशनल मीडिया आज तक दिखा रहा है कि 10:35 पर पुलवामा हमले को, जो मलिक साहब जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, उन्होंने अभी बयान दिया कि पुलवामा हमले के पीछे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि उसको कवर करने के लिए जो है इसको मार दिया गया। क्या पुलवामा हमले के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ना हम वहाँ थे और ना हमारे को पता, तो हम झूठी बात नहीं कर सकते। ये तो कोई बात नहीं, हम नहीं ये बात कैसे नहीं? आप जो मीडिया झूठा है उसकी बात मान के मैं झूठ बोलूंगा? एक फौजी होकर के मैं तो कभी नहीं बोलूंगा। वहाँ के गवर्नर बोल, और वो गवर्नर झूठ बोल रहा है या वो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, मैं कैसे मान लूं? उसको कैसे मान लें बताइए मुझे, कोई भी आदमी मुझे एक बात बताइए कि वो मलिक साहब इसका मतलब देश का सबसे बड़ा गद्दार है, जो उसको बोला कि तू चुप रहा है, क्यों रहा चुप वो, क्यों रहा चुप है, इसका मतलब झूठा है वो, ऐसा कुछ नहीं, वो पाकिस्तान की साजिश थी, वो हमला था, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। 300 किलो जो RDX था वो पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहा था गांव में, वो कहाँ से आया? 300 जम्मू कश्मीर में 3,000 करोड़ क्विंटल है अभी भी, वो कहाँ है? तो वो पूरे वहाँ का हर आदमी बारूद रखता है। देखिए ये जो जवान है हमारे साथ, इन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत बड़ी जीत हासिल कराई थी और इन्होंने गोली भी खाई, इन्होंने बड़ा बहुत बड़ा खुलासा किया है कि अभी भी अगर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको बहुत कुंटलों कुंटल RDX मिलेगा, यही कहना चाह रहे जी? RDX अभी भी मिलेगा जम्मू कश्मीर में? क्यों नहीं, RDX तो हर जगह ही है, कहा नहीं है, लेकिन गद्दार भी तो है ना, अगर जैसल नहीं होता राम राज है, गद्दारी का राज नहीं है, राम राज है, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं ये कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनेगा और हम बनाएंगे, वो सत्य है और हमारा हक भी है, कैसे पूछो, क्योंकि देश का बंटवारा किस पे हुआ था? धर्म के आधार पे, कि भाई मुसलमान वहां चले जाओ, हिंदू यहाँ रह जाओ, फिर बात हमारे को क्यों फुद्दू बनाए बताओ मुझे। तो सबसे ज्यादा मुसलमानों से दिक्कत है कि राजनेता से दिक्कत है, नेताओं से दिक्कत है? हमारे को किसी भी नेता से, किसी राजनेता दिक्कत क्यों नहीं है पूछो बताऊं आपको, क्योंकि सभी जनता ने चुने हुए आए हैं, तो जनता ही हमारी, जनता ही बोली है। कुछ लोग कहते हैं EVM का कमाल है, नहीं कोई EVM का कमाल नहीं है, EVM का कमाल कैसे हो सकता है?
हमारी जनता ही बोली है, जो मतलब नेता चुनती है, जो 1947 से अभी तक नेता चुनती आई है, उन्होंने वोट के वोट लेकर के प्रधानमंत्री बने होंगे ना, एमएलए एमपी बने होंगे ना, वोट दिए जब भी तो बने हैं ना, बना वोटा थोड़ी बने, तो हमारी जनता ही बोली है जो ऐसे नेता चुनती है। हाँ, कोई राज्यसभा सदस्य हो पैसे दे करके आ जाता है, राष्ट्रपति बारह मनोनीत करता है, किसी फौजी को जो मनोनीत करे आज तक राज्यसभा में, लेकिन आप कह रहे को, नाचने गाने वाले को राज्यसभा में बुला लेते, रेखा को बुला लिया, वो को बुला लिया, खिलाड़ी को बुला लिया, कोई की स्पेशलिस्ट फौजी को बुलाया आज तक नहीं बुलाया। बहुत बड़ा सवाल है खुद में कि जो अभिनेत्रियां हैं जो रिटायर हो जाती है फिल्म इंडस्ट्री से, या फिर उनको लगता है कि हमें और कुछ और करना चाहिए तो वो संसद में बैठ जाती है, लेकिन आज तक किसी भी फौजियों को, किसी भी ज्यादा ओहदे पे बैठे हुए किसी भी सैनिक को वहाँ पे न सम्मान दिया गया है और न ही कभी संसद में आपने बैठा देखा होगा। हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे जो है गवर्नमेंट को काम करना हमारी चाहिए। बात कौन रखेगा, सबसे पहले हमारा पे कमीशन बैठता है, ये तो गलत है सर। हिंदू राष्ट्र की मांग जो आप लोग कर रहे हैं ये सही है? ये सही है हिंदू राष्ट्र क्यों गलत कैसे बताओ, आप बताओ गलत कैसे सही है। क्या अपना देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसी राज में इसी जगह पे आप दलितों के साथ देख सकते हैं कि दलितों को हिंदू कहते हैं, तुम दलितों हम तुमको मार देते हैं, मार के फेंक देते हैं। हम हिंदू हैं सब, कोई दलित नहीं, और फौजी जाति नहीं मानता, फौजी जाति नहीं मानता, धर्म मानता है, हमारी एक जाति है, वो है फौजी, फौजी सैनिक जाति है, एक ही धर्म है, सैनिक है, धर्म भी एक ही धर्म, हमारा सब सैनिक है। भारत माता की, भारत माता की, सैनिक एकता, सैनिक एकता। लगता है संसद बहुत दूर है, आप लोग की आवाज नहीं पहुंच पा रही। नहीं तो भगत सिंह भी तो गया था संसद दूर है, भगत सिंह भी तो गया था संसद में, संसद दूरी यहाँ से तो भगत सिंह जा सकते, तो उसी के औलाद में हम भी संसद में जा सकते हैं। तो लग रहा है संसद ज्यादा दूर है, आप लोग की आवाज पहुंच नहीं पा रही 58 दिनों वो गूंगी पैरी सरकार है। बिल्कुल भी दूर संसद दूर नहीं है, ये सैनिक जो है पीसफुल शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, बिल्कुल हमारी आवाज वहाँ जारी है, और ये अपना ओआरओपी का हक जो इनकी विसंगति वो लेके जाएंगे, इनका एक ही धर्म है सैनिक। लेकिन एक सवाल और कि जब प्रधानमंत्री होली दिवाली में बॉर्डर पे जा सकते हैं तो संसद से इतनी दूर क्यों नहीं आ सकते जवानों के लिए? वो तो आप उनसे पूछो, प्रधानमंत्री जी से आप पूछ सकते हैं क्या? उनसे नहीं पूछ सकते ना, क्योंकि वो राजा है, भारत के राजा है, और चौकीदार भी कहते हैं प्रधानमंत्री, कोई कहते हैं चौकीदार ही चोर है, है? कहते हैं चौकीदार चोर, वो उसका गलत है, हम नहीं मानते चौकीदार चोर हो सकता है, चौकीदार नहीं, डरते हैं, डरते नहीं, नहीं क्यों बोले, हमें उनके दादा परदादा से भी नहीं, जो ये कहता चौकीदार चोर है उसका पूरा खानदान चोर है, मेरे से ले लो जवाब, हम राजनीति बात ही नहीं करना चाहते। अरे बेटा तू भी मेहरबानी करो, मीडिया आप लोग कैसे 58 दिन तक यहाँ पे बैठे? एक मिनट, आपने अभी एक बात की, क्या वो बात वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची? पहले राजा महाराजाओं का अपना गुप्तचर संस्था रात को भेष बदली करके चलते थे, भारत सरकार कोई भी आए, मोदी जी की है कोई और कोई पार्टी की है, उनका अपना गुप्तचर विभाग है, उसकी अपनी संस्थाएं हैं, उसके 10 विभाग हैं, वो क्या रिपोर्ट देती हैं, क्या रिपोर्ट लेती हैं? यदि कोई प्रधानमंत्री जंतर मंतर पर इतना दिन से बैठे हुए धरने को, इतना दिन नहीं, 3 अप्रैल का धरना, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 772 जिलों के कलेक्टर को जो IAS रीड की हड्डी होती है, हर जिले के अंदर 5,000-7,000 सैनिकों ने मेमोरेंडम दिया है, और कहते वो बात प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंची, तो मेरी भाषा में ये कहूँगा कि वो देश के प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है, ये बात नहीं पहुँची, हो ही नहीं सकता। पहुंच गई है तो क्यों नहीं सुना आपके प्रधानमंत्री ने? ये तो प्रधानमंत्री को ले आओ, मैं उसको पूछूंगा आप क्यों नहीं सुनते हो। तो कहते हैं हम जवानों की बात करते हैं, हम जवानों के लिए काम करते हैं, हमारा जवान जो है रीढ़ की हड्डी है भारत का, फिर भी नहीं सुन रहे। एक मिनट बाकी है ना सुनने, दे भी दे तो देना ही, बहरू ना रखा रहे, हमारे ना 45 लाख फौजी है, और 45 लाख माँ बाप है, और 45 लाख औरतें हमारी, और 90 लाख बच्चे है, वोट की चोट देंगे, वोट की चोट देंगे, देंगे ढंगे से, कोई तो बाहर जोड़ो रैली काट रहा है, हम सैनिक जोड़ो रैली काटेंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी, कलकत्ता से जैसलमेर, अगला कदम यह होगा हमारा।
देख सकते हैं अभी तो इन लोग का 58 दिन हो गया है और ये लोग धरने पे, लेकिन ये बहुत जोश में है सैनिक। ये लोग कह रहे हैं कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, हम सैनिक जोड़ो यात्रा निकालेंगे और कन्याकुमारी से जैसलमेर इस तरीके से तमाम राज्यों में ये घूमेंगे। इनका अगला कदम ये होगा और ये वोट की चोट भी देंगे। तो आप लोग की इस पूरी खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में। वोट की चोट पे मोदी जी को बनाया, रेवाड़ी में हमसे वादा किया था उन्होंने कि आरोपी दियाऊंगा आपको, मेरे बच्चों मेरे भारत के से दिया तो और दिया हमारे को, लेकिन अब उसमें गड़बड़ कर दी। वो सिपाही को तो क्या करा, 2.7 दे दिया और अफसर को 2.8 दे दिया। सैनिक की विधवा होती है उसको 13,000 रूपए। हम नहीं बोलेंगे यहाँ, अब कोई मतभेद की बात हमसे मतभेद है नहीं, हमारे फौजी हम एक है और एक ही रहेंगे। वो पॉइंट कोई बोल सकते हैं तो वो ले लेना बेटा ऐसी कोई बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ रुपए नाम जो 2.7 है ना वो हमारे को दिया गया, तो लोगों से तो ज्यादा मिला है ना जो बड़े अफसरों को। सुनिए, वन रैंक वन पेंशन की आवाज किन के लिए उठी थी, ध्यान से सुनिए। कम उम्र में रिटायर्ड होते हैं, कम उम्र में रिटायर्ड कौन होता है, सब कहते हैं 15 साल सिपाही, नहीं उससे पहले कम उम्र में मेडिकल बोर्ड वाला रिटायर्ड होता है फौज के कारण, 2 साल की नौकरी 4 साल की नौकरी। कारगिल की लड़ाई में जितने सैनिक शहीद हुए थे उनकी उम्र, उनकी सर्विस 3 और 3.5 और 4 साल थी, उम्र 25 साल से नीचे थे, एक नंबर पर दो था कम उम्र में। उसके बाद रिजर्विस्ट आते हैं 8 साल नौकरी करने के बाद, फिर हर साल में 2 महीना बनाते हैं, 15 साल तक जाता है, लड़ाई होती है। इसी रिजर्व को 1962 में 65 में 71 में बनाया। आप लोगों को कितना मिला है और अफसरों को कितना मिला है? मैं बता, वो सून लो ना, जिनके लिए मैं पूरा आंकड़ा बताऊंगा। एक मिनट, जिनके लिए आवाज उठी थी वन रैंक वन पेंशन की, उनकी पेंशन घटा दी ओआरओपी वन में, घटा दी, किसी ने बताया आपको? नहीं। एक फौजी की विधवा की पेंशन 17 साल वाले सिपाही के बराबर 1952 से चलती आ रही थी। 1 जुलाई 2014 को एक सिपाही की पेंशन 17,300 रुपया है, विधवा की पेंशन 9,000 रुपया कर दी, घटा दी। रजूस की पेंशन उतनी होती थी सिपाही के बराबर, उसकी घटा दी। मेडिकल बोर्ड वाले 17 साल के सिपाही के बराबर होती थी, उनकी घटा दी। डिसेबिलिटी पेंशन और सर्वेंट दोनों जिनको मिलनी चाहिए थी उनको पेंशन नहीं मिली। अब आंकड़े पूछते हैं कितने परसेंट, उस टाइम पर 5600 करोड़ रुपया 2014 में दिया था, उसका 57% 3% आर्मी अधिकारी उनकी बीवियों को दे दिया, बाकी हम बचे 97%, 43% जो अमाउंट था वो 97% को दिया। इसमें मैंने आपको 3 कैटेगरी उनकी पेंशन घटा दी, मतलब उन लोगों को घटा के आप लोगों को। मैं बताता हूँ इसका मैं एक सेकंड साहब, साहब मेरे आंकड़े में या तो बोलने दो, बोलने दो एक सेकंड साहब रुको। मैं जो ये कह रहा हूँ कि जो पे बोर्ड में थे ना उन बंधु को ना तो बैटल कैजुअल्टी के बारे में पता, ना विधवा पेंशन के बारे में पता, वो आदमी थे जो फौज के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्होंने ये बोर्ड बैठाया। आप कुछ बोलो तो उनकी पेंशन घटा दी। अच्छा, अब भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी रिपोर्ट ये दी थी कि कोई भी आर्मी में 32 साल से ज़्यादा नौकरी करता है और 54-55 साल की ज़्यादा सर्विस करता है उनको वन रैंक वन पेंशन नहीं दी जाए। जिनको वन रैंक वन पेंशन दी उनकी सर्विस 33 साल से 40 साल के बीच में और उनकी रिटायरमेंट की सर्विस की उम्र 54 और 60 साल के बीच में थी, उनका वन रैंक वन पेंशन बनता ही नहीं था, उनको दिया, जिनको बढ़ता था उनको नहीं दिया। उसके बाद आ जाइए वन रैंक वन पेंशन टू में 28,000 करोड़ रुपये का बजट है, उसमें 97% को खाली 10 पैसा मिला है, 10%, 90% उन्हीं ऑफिसरों को दिया जिनका नहीं बनता था। एक सैनिक की विधवा की पेंशन 9,000 17,000 होनी चाहिए, उसकी 9,000 कर दी और एक कर्नल की विधवा की पेंशन आज 60-70 हज़ार। एक बात और दूसरी चीज़, एक बॉर्डर पर लड़ाई लड़ते हैं ना, लड़ाई में तो ऑफिसर भी होता है, जेएसयू भी होता है, जवान भी होता है, रंग बंग तो बराबर होता है ना, मेरा हाथ कट गया
मैं आज 50% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा हूँ, मेरी कीमत है 4,500 रुपया, 4,500 रुपया, और जेसी होते 1,000 रुपया, ठीक है। और यदि कैप्टन है तो 2-10,000 रुपया, और कर्नल जनरल है तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अब ये आप मुझे सवाल है, अंग भंग की कीमत ये आपका बनाया डिसेबिलिटी एक्ट में एक है, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देते हैं, ये सब तो ठीक है, अभी तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन ये बात सरकार भी जानती होगी कि उन्होंने क्या किया। लेकिन जहाँ पे सरकार सबका साथ सबका विकास, जवानों का साथ, किसानों का अच्छा भला, जो भी सोचती है बोलती है, हमेशा मोदी जी हमेशा नारा लगाते हैं कि हम जवानों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं मजदूरों की बात करते हैं, फिर आप लोग क्यों हैं यहाँ, ये आप ही सवाल। इसका कारण देता हूँ, मैं 1983 से फौजी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, 83 से एक एक चीज़ जानता हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैंने वादा किया था वन रैंक वन पेंशन लागू करनी है, अधिकारी को बोल दिया, अधिकारी बोलेगा साहब हम लागू करेंगे। ब्यूरोक्रेट अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कई ब्यूरोक्रेट तो ऐसे हैं मैं नाम गिना सकता हूँ, जिसने बॉर्डर पर उसकी फैमिली में बहुत काम किया, कई ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जैसे हैं भिखारी हैं, पूर्व सैनिक चीन और पाकिस्तान से बड़े दुश्मन दिखाई देते हैं। मोदी जी उनको बोलेगा आप वन रैंक वन पेंशन लागू कर दो, हाँ साहब हमने लागू कर दिया, कैसे इमरती देखी आपने, थाली में इमरती रख कर बोलेंगे साहब हमने जवानों को इमरती दे दी, वो आप खाएंगे नहीं, उसको देखते रहो। वो इम्प्लीमेशन करने वाला जो ब्यूरोक्रेट है वो मिसगाइड करता है। यदि ईमानदार स्ट्रॉन्ग ऑफिसर होगा, चौधरी बंसीलाल हरियाणा में चला काम तो प्रधानमंत्री का है ना कि जांच करें हम, कैसे क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या जांच करना है? मुझे एक बताओ, वन रैंक वन पेंशन वन के बाद मैं एनएससी के प्रतिनिधि से, उस टाइम के रक्षा मंत्री से, पाणिकर साहब दुनिया में नहीं रहे, भगत सिंह कोश्यारी जिसने स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट दी थी उसको साथ लेकर मंत्रालय में 4 मीटिंग करके आए, उसके बाद सीतारमण से मीटिंग करके आए, जेटली जी नहीं रहे उनसे भी मीटिंग करके आए, उसके बाद राजनाथ सिंह से मीटिंग करके आए, एक एक चीज उनको बताया, हमने यहाँ तक कहा कि अपना आईएएस और ब्यूरोक्रेट को बुलाइए, आईएएस ऑफिसर आए। आप लोगों को नेशनल मीडिया भी कवर करने के लिए नहीं आता है? नेशनल मीडिया में भजनलाल का लड़का होता और कोई लड़की से शादी करता तो नेशनल मीडिया के बाद खूब ड्रामे हैं, वो हीरोइन वहाँ डांस कर रही है, वो हीरो वहाँ डांस कर रहा, बॉर्डर पर मर गया, उनके लिए टाइम नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में 3 अप्रैल का ड्रामा होने के बाद नेशनल मीडिया प्रिंट मीडिया न्यूज नहीं दे रहा है, ये अचंभे की बात है। उनको बता दिया कि इनको बहुत कुछ दे दिया है, इनकी ऐसे ही बैठे हुए मिसगाइड किया है, ये तो चौथा स्तंभ है। पुलवामा हमला के बारे में क्या कहा? मैं इसमें नो कमेंट, बिल्कुल ठीक था वो, बढ़िया था, राष्ट्र में ठीक किया। अच्छा किया पुलवामा हमला? हमला जो हमारे पुलवामा हमले के बाद हमारे देश ने जो किया, जो पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे थे उनको एक दिन में नष्ट किया। नेशनल मीडिया कभी भी लोगों को कवर करने के लिए नहीं आता, ये जवान का एक अहम मुद्दा है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुलासा किए हैं। आज मैंने इन लोगों से बात किया है कि कईयों का पेंशन ख़त्म करके उन लोगों को पेंशन दिया जा रहा है जो इसके अधिकार, जिनको ये अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए उन लोगों को दिया जा रहा है, और वो भी उन लोगों से कटौती करके। हालाँकि इन लोगों ने बहुत कुछ खुलासे किए हैं और बहुत कुछ बोला है, जहाँ पे सरकार बोलती है, दावे करती है कि हम जवानों की बात करते हैं, जवानों के लिए काम करते हैं, लेकिन वहीं पे जवानों की ये हालत है। हालांकि हम लोग लगातार इस पूरी जो इन लोगों की धरने, इन लोगों का जो प्रदर्शन है, हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कब तक, अभी तो 58 दिन हो चुका है, कब तक इन लोगों को जो है इन लोगों का अधिकार मिलेगा, जो इनकी मांगें पूरी की जाएंगी? पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।